भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विशेष करके युवाओं के प्रिय श्रीमान अब्दुल कलाम जी के निधन के समाचार पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशादर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। भारत को सशक्त बनाने में वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। और आज जीवन का अंतकाल भी विद्यार्थियों के बीच अपने प्रिय काम को करते करते ही उन्होंने वो अंतिम क्षण भी बिताई। सामान्य परिवार में जन्मे हुए, तमिलनाडु में दूर सुदूर रामेश्वर से जीवन की यात्रा प्रारंभ की और हिंदुस्तान के जन जन से लेकर के विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। व्यक्तिगत मेरे जीवन में एक उत्तम वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे थे, उनके साथ बहुत निकटता से काम करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने व्यक्तिगत जीवन में तो एक उत्तम मार्गदर्शक को खोया है, देश ने अपने एक ऐसे सपूत को खोया है जिसने भारत की सेवा की, भारत को सशक्त बनाने के लिए जिसने अपनी पल पल लगाई, भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए। ऐसे महापुरुष की विदाई मैं नहीं मानता हूं कि कोई भर पाएगा। देश ने बहुत कुछ आज गवाया है। मैं उस महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश आज शोकमग्न है, उनका कार्य हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं फिर एक बार इस महापुरुष के जीवन को, उनके कार्य को, उनकी प्रेरणा को नमन करते हुए देशवासियों को इस शोक संतप्त अवस्था में, गहरे सदमे की इस अवस्था में मेरे पास अधिक कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं।